यार मैं क्या कह रही हूँ यार, घोर कलयुग आ गया है, वेरी बैड टाइम्स। मतलब एक आदमी जो फिल्म का हीरो है, रहस्यमय तरीके से गायब हो जावे। हो सके कि भैया वो निमट गया हो, ही इज नो मोर, लेकिन शूटिंग वालों को कोई पड़ी ही ना है। खूब जो है रोज शूटिंग पे शूटिंग छपरी से। yes! यार दिस इज लिटिल बियर्ड। हाँ मैडम, मतलब वो डायरेक्टर मैडम, उसने वो स्पॉट बॉय को अब हीरो बना दिया मैडम, बताइए। वेल, राइटर ने किया विरोध इसका, डायरेक्टर को आ गया क्रोध इसका। ये बात तो सही में चौटाला, हीरोइन गायब हो गई, वो डायरेक्टर को फर्क ना पड़ा। हीरो गायब हो गया, डायरेक्टर को फर्क ना पड़ा। बस वो किसी भी तरह शूटिंग पे शूटिंग तो करा जा रहा है। गोपी ट्राई करो भैया, तुम्हारा भी लक चमक जाए, हीरो हीरो बन जाओ, बड़ा सुपरस्टार। मजबूत हो रहा है सर। मैं क्या कह रही हूँ, ये गगन कुमार का केस अभी तक जो है सर समझ में आया ना है, उसकी गुत्थी अभी तक सॉल्व ना हुई है। अरे यार ये गगन कुमार, इसको भूख लगती है, ये अपने कमरे में खाना मंगावे, फिर खाना आ जावे, लेकिन बिना कुछ खाए वो अपने कमरे से निकल जावे। क्यों भाई, नो वन नोज। उसके बाद आवे एक स्क्रीम, मतलब चीख की आवाज, और उसके बाद वो परमानेंटली गायब हो गया। और मौका वारदात पे हमें मिलता है चाकू। व्हाट डज दिस से? सीरियल मर्डर में चौटाला। फिर तो सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, अकेला चलो रे। Well, who the you the R is the, मिल नहीं रहा है गगन कुमार is the। हम जो है ना वो गगन कुमार का सेक्रेटरी है, हमारा नाम है भौको मुखर्जी। भौको? बबू? भौको मुखर्जी। हाँ भौको। एक्चुअली हुआ क्या है, गगन कुमार ने हमको फोन किया और उसके बाद एसएमएस किया और फिर हमको बोला कि वो उसका जान खतरे में है, क्योंकि उसको कोई राज का बात पता चल गया है। अकेला चलो रे। राज? कौन सा राज का बात? यही तो वो नहीं बताया हमको। हमको बोला तारातारी तुम शूटिंग पे आ जाओ, फिर बताएगा। इसका मतलब है कि गगन कुमार को कोई राज की बात पता चल गई थी। हाँ मैडम, और ये राज जिसके भी बारे में था, उसने उस गगन कुमार को या तो मार दिया या फिर उसे गायब कर दिया। ये मेरा पगार है? नमस्ते मैडम। वेल मॉम, आ गई है फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट इज द, काजू बादाम एंड अखरोट इज द। दिखाओ मैडम उस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट, ये रही। अबे लिखा के यो बता दे बिल्कुल ही। मैडम रिपोर्ट में तो यही लिखा है, चाकू पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं है। चाकू पे उंगलियों के निशान नहीं थे या निशान मिटा दिए गए? सर मैं बता रही हूँ, जो भी है ये शूटिंग का ही कोई आदमी है जो ये सब कर रहा है। वो सब तो ठीक है मिस्टर डाला, लेकिन अभी पता कैसे चलेगा कि कौन कर रहा है ये सब? लगाएंगे ना पता। सर यो मन्ने बेरा है कि चाकू पे उंगलियों के निशान ना, ये आपको बेरा है कि चाकू पर उंगलियों के निशान नहीं है, लेकिन शूटिंग वालों को तो कोई ना बेरा। चलिए पता लगाइए किसकी दाढ़ी में तिनका है। क्या बात है गोपी, फिल्म की शूटिंग है। Well, मैं दे दूं सबको हिंट इज द, अब सबके लिए जाएंगे फिंगरप्रिंट इज द। हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं इंक पैड। अब एक एक करके आप लोग अपना अंगूठा इस इंक पैड पे लगाएंगे, फिर अपने अंगूठे को इंक पैड से उठाएंगे और कागज पे लगाएंगे, ताकि मैं आप लोगों का फिंगरप्रिंट ले सकूं। अरे मैं हूँ भोजपुरी फिल्मों का कैमरा मैन, जो हिंदी फिल्मों में हूँ बैन। अरे भाई साहब ये सब क्या कर रहे हैं आप? हैं? ज़ूम कर दूंगा। ओ कैमरामैन भाई साहब, भूल गए, हमें उस जगह से चाकू मिला है जहां से गगन कुमार गायब हुआ था। अरे मम्मी क्या हुआ? ओ ये अरे बिटिया,
ज्यादा कमजोरी है, आराम करने जा रही हूँ मैं, मेरी आंखें गजरा रही हैं। एक मिनट, आपने अभी तक फिंगरप्रिंट नहीं दिए, उसके पहले ही आपको चक्कर आ गए। कोई बात नहीं, पहले आंटी जी का फिंगरप्रिंट ले लो, उसके बाद हमने कमरे में जाके आराम से बेहोश हो जाएगी। राइट सर, ये लीजिए, लगाइए अंगूठा। अब आप जा सकती हैं, चक्कर आ रहे हैं तो आराम कीजिए आप। अब ठीक हो गया। Well, अब आओ सब बारी बारी इस दा, मैं हूँ हुस्न का शिकारी इस दा। Sorry. Production manager. लगा, अंगूठा लगा। हाँ, अब बचे राइटर, आइए लगाइए राइटर साहब। राइटर साहब क्या हुआ, हाथ आगे करिए जरा, उंगलियों की निशान दीजिए। नहीं दे सकता हूँ, अतर्रा से आया। Well, अतर्रा से आए हो तो क्या नहीं दोगे उंगलियों के निशान इस दा? गोपी को चाहता है पूरा हिंदुस्तान इस दा। नहीं दे सकता हूँ मतलब सबने दिया है तो आप क्यों नहीं दे सकते, दीजिए। क्योंकि हमारे हाथ में पट्टी है। अतर्रा से आया। तो सब लोगों ने अपने फिंगरप्रिंट दे दिए सिवाय उस राइटर के। करेक्ट, मैं शो डाला। जब हमने उससे अपना हाथ आगे बढ़ाने कहा, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हाथ पे सारी पट्टी लगी हुई थी। Well, उसको लगी थी चोट इस दा, लेकिन उसके दिल में है कुछ खोट इस दा। मैडम, मुझे तो पहले से ही इस राइटर पे शक था मैडम, और अब मेरा शक यकीन में बदल गया है कि इस गगन कुमार और श्यामली को गायब करने में इसी का हाथ है। तभी तो मैंने कही थी कि पूरी यूनिट में खबर फैला दो कि हम फिंगरप्रिंट लेने आ रहे हैं, ताकि जो असली मुजरिम है वो कोई ना कोई बहाना मारे और अपने फिंगरप्रिंट ना दे। हाँ, करेक्ट। और बहाना बनाया सिर्फ एक इंसान ने, वो राइटर ने। इसका मतलब असली गुनेगार है राइटर। करेक्ट। और ये असली गुनेगार बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। डॉली क्या कर रही थी तुम? अरे डॉली है ना, अच्छे से कमर मटकाओ। तुम्हारे एक ही कमर के ठुमके पे लोग है ना पर्दे पे सिक्के फेंकने चाहिए। हाँ, फिल्म ब्लॉकबस्टर बा या। है कौन सा सो रही है, कोई सिखाने वाला चाहिए? अभी हम दिखाएंगे ना, तो करेगी कैसे नहीं करेगी, अरे हर कीमत पे करेगी। जाओ जाओ। मम्मी जी आप सिखाएंगे? बिटिया तुम जरा हमारा सवाल पकड़ो। हाँ ये लो, हम जैसे कर रहे हैं ना, ध्यान से देखो वैसा ही करना है, फिर देखो ऐसा ऐसा रखना, ऐसा ऐसा। अरे अरे का हो गया आलोक बाबू, अंगूठा सूख गया। अंगूठा वाकई सूख गया है सर। मैं बताता हूँ कि अभी मैं गेस्ट हाउस से आ रहा था, तो पीछे जो सुनसान वाली सड़क है ना, वहाँ से मैंने वो राइटर अमित आर्यन जी के चीख की आवाज सुनी सर। क्या बात कर रहे हो, अंगूठा सूख गया है? हाँ सर। ओहो, ये बात है। क्या बात चल रही है यहाँ पर, लगता है हम लोग सही टाइम पर आए हैं। Well, सुनाई दी है उसके चीखने की आवाज इस दा, इसके पीछे है कोई ना कोई राज इस दा।
अरे दादाजी कोनो राज नहीं है, एक्चुअली क्या बात है कि वो अमित आर्यन हमको बोल के गया कि कल का वो सीन लिखने जा रहे हैं फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। हाँ। लेकिन वो आपसे झगड़ के गया था ना, ज़ूम कर दूंगा। एक मिनट यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मामला कुछ ठीक नहीं है। तुम सबसे जरा पूछताछ करनी होगी। क्या हुआ दादाजी, हमका काहे बुलाया है यहाँ पे, फिल्म ब्लॉकबस्टर बा? अरे फिल्म तो ब्लॉकबस्टर बा, क्रिमिनल भी ब्लॉकबस्टर बा। खेल पे खेल, खेल पे खेल, खेल पे खेल खेल रहा है पुलिस के साथ। बस इफ टाइम फॉर क्लाइमैक्स, कानून का फंदा बहुत जल्द उसके गले में होगा। अरे काहे हमका काहे, मैडम सही कहा, ये फंदा है ना वो पढ़ना ही चाहिए। अब देखो ना हमारी फिल्म की ऐसी की तैसी कर दी, फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। पहले हीरोइन गायब हो गई, अब हीरो गायब हो गया, और अब राइटर भी गायब हो गया। क्या बात है, जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ हाँ पता है हमका। वैसे हम ये जानना चाहते, हम सब ये जानना चाहते कि तुम्हारे अपने राइटर के साथ किस प्रकार के संबंध थे। हाँ, अरे कैसा अश्लील सवाल पूछ रहे हैं आप। हाँ? हाय फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। नहीं सर, के कहने का मतलब है कि कैसे संबंध थे, मतलब मधुर टाइप के संबंध थे या कड़वे टाइप के संबंध थे? Yes! अरे बहुत बढ़िया बा, बहुत बढ़िया। उस राइटर के साथ हमने पहला फिल्म भी किया था, फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। Well, हमने सुना है कल रात आपस में दोनों का हुआ था झगड़ा। इज्जा मेरी एक गर्लफ्रेंड का भाई है, बहुत तगड़ा इज्जा। क्या बात करते हो दादाजी, झगड़ा और हमरा? अरे फिल्म ब्लॉकबस्टर बा, अरे हमरा ऐसा कोई झगड़ा नहीं हो उसके साथ। हाँ। अच्छा भाई, हमारे कुछ विशेष सूत्रों से पता लगा है कि झगड़ा हुआ, और वो भी ऐसा तोड़ू झगड़ा हुआ है कि बिल्कुल जो है सीमाएं पार हो गई। और फिर तैने जो है धमकी दी कि इस पिक्चर में ही या तो मैं नहीं और या तो तू नहीं। और अब तुम तो हमारे सामने खड़े हो, हम सब देख पा रहे हैं, लेकिन वो राइटर रास्ते से हट गया। क्या रास्ते से हटा दिया गया? अरे का नहीं नहीं मैडम, वो का है कि वो है ना क्रिएटिव डिफरेंसेस है। ऐसा क्या है, डिफरेंसेस जो है ना डायरेक्टर और राइटर जो होते हैं ना उसके बीच में होते रहता है फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। अभी देखो ना, एक महीने पहले भी ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस हुआ था, तब हमने वो राइटर के सर पे गमला दे मारा था फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। उसके पिछले हफ्ते ऐसा क्रिएटिव डिफरेंस हुआ ना, तो वो राइटर ने हमारे पैरों के बीच में ऐसी अंटी मार दी और हमें सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। हाँ। और इस बार वो रास्ते से हटा दिया गया। मतलब मैडम आपका कहने का ये है कि हमने उनका मर्डर किया? Did I say that? No. Did I say that? No, 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 no. What, what? When I said that, भाई मैंने कब कही? मर्डर कैसे यार, किसका मर्डर, क्यों मर्डर, तैने कैसे बेरा उसका मर्डर हुआ, यो बात तो मनने कोई ना बेरी। ओ मतलब वो के मैडम, वो नहीं, चंद्रमुखी चौटाला नाम है हमारा। आज तक कोई क्रिमिनल मारे हाथ से बच के निकल ना पाया है, तू किस हवा में उड़ रहा है तू? तो मतलब मैडम बिना सबूत के आप हम पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो, फिल्म ब्लॉकबस्टर बा? Sir, I don't like this bird. सबूत सबूत, हर कोई आके हमें यही सुना जावे। हमें सुना कर जाते हैं सब। अरे सबूत सबूत यार, सबूत और गवाह मुंह पे मार दूंगी एक दिन लाके थारे, समझा? फिलहाल निकल ले और नहा ले जरा ठंडे पानी से, सर्दी के मौसम में घना पसीना पसीना हो रहा है। फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। मैं शोडाला, लग रहा है कि हम गुनेगार के बड़े करीब हैं। इस पर नजर रखिए, अगर तो यो गुनेगार है तो कल की मॉर्निंग टी इसी लॉकअप में देना चाहती हूँ मैं इसे। देखा बिटिया, अब तो वो राइटर अमित आर्यन भी गायब हो गया जिसने कही मेरी स्क्रिप्ट की लाइन ना बदलती, कलाकार बदल जाते हैं, ये लो अब तो राइटर ही बदल गया।
मेरी आंखें कजरा रही हैं। पर मम्मी है ना, वो डायरेक्टर है ना, वो हमको ऐसे क्यों बोल रहा था कि देखो काम पे ध्यान दो, वरना जैसे स्पॉट बॉय को हीरो बनाया है ना, वैसे हेयर ड्रेसर को हीरोइन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसे कही उसने? मुंह नोच लेती उसका? नोच लेती मम्मी, लेकिन नाखून दोपहर में खा गई थी, बोकड़ गई थी। खैर बिटिया, मैं तो बस इतना जानू कि जो भी तेरे करियर के रास्ते में आएगा ना, ऊपर वाला उसे वैसे ही उठा लेगा जैसे श्यामली, गगन कुमार और अमित आर्यन को उठाया था। मेरी आंखें कजरारी हैं। गुड हीरा, या सुपर, क्या बात है। फिल्म ब्लॉकबस्टर बा, आहा, वाव, क्या बात है। हे, व्हाट अ लोकेशन यार। यार हम सोच भी नहीं सकते कि डायरेक्टर गुनेगार होगा, अपनी फिल्म के हीरो हीरोइन और राइटर को गायब कर दिया इसने यार। और ये इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है मैंने। अरे सर, जरूर इसने यहाँ पर अपनी कोई सेटिंग कर ली होगी और अपनी सेटिंग से ही मिलने आया होगा सर। वेल, जब करनी होती है लप्पी से मुझे मुलाकात इसदा, मैं भी ऐसे ही जाता हूँ जब होती है रात इसदा। चुप है, लप्पी है भी क्या है, वही बोलता रहता है। ओह माय गॉड, उफ उम्मा इसदा, वो देखो हीरोइन की अम्मा इसदा। हाँ सर, ये तो वही डॉली की माँ है सर। अबे लेकिन हीरोइन की अम्मा इस वक्त यहाँ क्या कर रही है सर? कहीं यही तो इस डायरेक्टर की सेटिंग तो नहीं? शट अप गुलगुले, शट अप, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी सच में। जी जी, लेकिन हो सकता है ना सर? वही तो कह रहा हूँ, हो सकता है ये। ये 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 चाकू, अरे सर चाकू। सर इसका मतलब, सर अब तो स्टोरी क्लियर है सर, मतलब हीरोइन हीरो राइटर सबको गायब करने में इसी का हाथ है, इसी का। अरे अब डायरेक्टर को बचाना होगा, चलो चलो सर। वाह, कैसा है ये झोल इसका, वो देखो हीरोइन की मम्मी का डबल रोल इसका। अबे अगर ये हीरोइन की अम्मी है तो फिर ये कांगी पे, कांगी कहाँ गई सर?